नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मारुति सुजुकी इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, जो कई सालों से हर इंडियंस के दिलों पर राज करती आ रही है। कंपनी की पहली कार 1982 के आसपास लॉन्च की गई थी। तब से लेकर अब तक ये लगभग हर सेगमेंट में अपनी गाड़ियां उतार चुके हैं। मारुति सुजुकी की एक खासियत है कि ये अपने कारों को इस हिसाब से बनाते हैं कि वो हर किसी के बजट में फिट बैठती है, फिर चाहे वो खरीदते समय हो या फिर खरीदने के बाद हो। लेकिन जहां सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी की बात आती है, वहां इनकी गाड़ियां सिर्फ कागजों में और एडवर्टीजमेंट तक ही सिमट कर रह जाती है, क्योंकि ना तो ये क्रैश टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाती है और ना ही रियल लाइफ एक्सीडेंट्स में अपने पैसेंजर्स को सेफ रख पाती है। मारुति सुजुकी की टोटल 7 गाड़ियों का क्रैश टेस्ट अभी तक ग्लोबल एनकैप में किया गया है, जिनमें से मात्र एक को 4 स्टार रेटिंग्स मिले हैं। बाकी सारी गाड़ियां 0, 2 या 3 स्टार्स तक ही स्कोर कर पाई हैं, जिससे ये पता चलता है कि इनके गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी कितनी लो है। इसके अलावा आज जो एक्सीडेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसे देखकर भी इस बात का कुछ हद तक अंदाजा लग जाएगा। पुणे से मिस्टर शमी जी ने मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट किया है और मारुति सुजुकी सेलेरियो और हीरो स्प्लेंडर के बीच हुए एक्सीडेंट की जानकारी दी है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है, तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वो सारे एक्सीडेंट्स भी देख सकते हैं जिनके वीडियोज नहीं पोस्ट हो पाते हैं। ये एक्सीडेंट कुछ दिनों पहले ही पुणे में किसी जगह पर हुआ है। सर ने बताया कि बाइक ने सेलेरियो को लगभग 30 से 40 किलोमीटर पर आर के रफ्तार में सामने से हिट किया है। हालांकि इसकी वजह क्या थी ये मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी फोटोज देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सिंगल रोड पर ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ है। हालांकि इस टक्कर के बाद जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। हैचबैक से लड़ने के बाद बाइक का हेडलाइट, मास्क, हैंडल, मडगार्ड और आगे वाला पहिया डैमेज हो गया। दूसरे तरफ सेलेरियो को देखा जाए तो इसका फ्रंट पोर्शन ऐसे खत्म हो गया जैसे मानो ये किसी ट्रक में घुस गई हो। वो तो अच्छा हुआ कि दोनों व्हीकल्स की स्पीड ज्यादा नहीं थी, वरना पता नहीं क्या होता। इसके अलावा यहाँ पर किसी को मेजर इंजरीज नहीं आई। बाइक राइडर और कार ड्राइवर दोनों ही माइनर इंजरीज के साथ सेफ थे। आप देख सकते हैं कि एक छोटे से टक्कर में इन गाड़ियों की ये हालत हो जाती है, तो किसी बड़े एक्सीडेंट्स में ये अपने पैसेंजर्स को कैसे सेफ रख पाएंगी। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि अपने और अपने फैमिली के लिए हमेशा एक सेफ कार लेनी चाहिए। हालांकि कभी कभी कुछ मजबूरियां ऐसी आ जाती हैं कि ना चाहते हुए भी लोगों को एक अनसेफ कार चुनना पड़ जाता है। रिसेंटली मैंने अपने वीडियो में एक कमेंट देखा था, जिसमें लिखा था कि उन्हें कंपनी फिटेड सीएनजी हैचबैक खरीदनी है, लेकिन उनके पास अनसेफ कार्स के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वाकई में जितने भी हैचबैक्स में कंपनी फिटेड सीएनजी आती है, उनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। सेफ कार्स बनाने वाली कंपनी को इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी एटलीस्ट एक कार को सीएनजी के साथ लॉन्च करना चाहिए, ताकि कोई अनसेफ कार खरीदने के लिए मजबूर ना हो। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।